हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये A50s मॉडल है, सैमसंग का A50s मॉडल है, जिसमें डिस्प्ले में लाइट का प्रॉब्लम था। ठीक है, ये गिरने की वजह से ऐसा हुआ था। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे कितने वोल्ट आने चाहिए, ठीक है, कौन सा माइनस है और कौन सा नेगेटिव है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखना मेरी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली फॉल्ट कहाँ पे था इसका और कहाँ से आता है। ठीक है, डिस्प्ले चालू होगी तभी इसको वोल्टेज शो करेंगे आपके। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये वाले कैपेसिटर, ये कॉइल है छोटी सी, देखिए इसके ऊपर 3.5 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। अभी अपनी डिस्प्ले बंद हो चुकी है। कैपेसिटर दिख रहे हैं दोस्तों आपको, देखो 3 के -3 वोल्ट आ रहे हैं, देखो इसके ऊपर, और ये कैपेसिटर है इसके ऊपर 4 वोल्ट के ऊपर आना चाहिए। देखिए +4 वोल्टेज आ रहे हैं, और ये बड़ा वाला कैपेसिटर है जिसके ऊपर 7 वोल्ट के ऊपर आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आ रहा है 7 वोल्ट के आसपास। ये वाला और ये हमारी लाइट आईसी है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये लाइनें कहाँ कहाँ जाती है। जो ये फर्स्ट और सेकंड पिन है दोस्तों, ये इस कॉइल पे आएगी। देखना दोस्तों, अगर आप ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली पिन ओपन हो चुकी है तो आपकी डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी। ये माइनस वोल्ट है इसका, ये 3 के ऊपर आता है माइनस वोल्ट, जहाँ ये लाइन इस कैपेसिटर पे जा सकती है। देखो ये कैपेसिटर पर बजर बोल रहा, तो अगर आपकी ये लाइन ओपन है तो आप इधर से जम्पर लगा के यहाँ पर मार सकते हो। ठीक है, और थर्ड नंबर की पिन को छोड़ के 4 और 5 नंबर की पिन की लाइनें यहाँ पे आती है दोस्तों। देखो ए वाले कैपेसिटर पे, ठीक है दोस्तों, देखो 4 और 5 नंबर की जो पिन है ये लाइन यहाँ से आती है, और फिर छठी को छोड़ के 7वें नंबर वाली पिन पे हम ये वाली लाइन, देखो। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 को छोड़ो, 4 5 और 7वें नंबर की पिन, मेरी फॉल्ट था दोस्तों 7वें नंबर पिन पे, जहाँ इधर कॉइल लगी थी ये वाली पिन पे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको नज़दीक से जूम करके।
देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे चंपल लगाया, ये कॉइल लगी थी, ओपन हो चुकी थी, तो मैंने इधर से इधर शॉर्ट कर दिया है, देखो ये वाली, ठीक है। इधर छोटी सी कॉइल थी, जैसे ये कॉइल है, ये दोनों तरफ बीप बजती है, देखो। ये वाली कॉइल देखो, देख सकते हो दोस्तों आप, दोनों तरफ बीप बजती है, ये ओपन हो चुकी थी, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। ये वाली कॉइल थी इधर, छोटी सी ऐसी कॉइल थी, बस मेरा प्रॉब्लम वही था। सात नंबर की जो लाइन है वो यहाँ से आती है दोस्तों, और ये ओपन हो चुकी थी, जिसकी वजह से 7 वोल्ट नहीं मिल पा रहा था मदरबोर्ड को, उसकी वजह से ये डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही थी। अगर ये तीनों लाइन सही है आपकी, फिर भी आपके वोल्टेज नहीं बन रहे है दोस्तों, तो फिर आपको ये वाली आईसी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी दो लाइनें डायरेक्टली आईसी से जाती है, इधर से डायरेक्ट आईसी में जाती है, ठीक है। और आपके बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे तो यही आईसी आपकी ख़राब होगी, तभी ये नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादातर ये आईसी ख़राब होती नहीं है दोस्तों, इधर से कैपेसिटर या रजिस्टर उसमें या कॉइल में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों।